अरे आप ये क्या कर रही हैं? अजी पैर तो मैंने आपके छूने चाहिए क्योंकि आपने हमसे शादी के लिए हाँ कर दी। ये आप क्या कह रहे हैं? अजी आपके लिए हमारे दिल में तो उसी दिन इज्जत बढ़ गई जिस दिन आपने अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया। जो लड़की ये कर सकती है वो अपने पति के लिए कितना कर सकती है। धन्य हो देवी, धन्य हो। मुझे देवी कह के शर्मिंदा मत कीजिए, मैं तो दासी हूँ। पति की सेवा करना तो औरत का धर्म है। धर्म तो मेरा है जी, आज तो मैंने आपकी सेवा करनी है। मुझे शर्म आ रही है। शर्म? अजी जो करे शर्म उसके फूटे करम। ऐस कर रहा है, ऐस है, इस उम्र में भी ऐस कर रहा है। लॉटरी खुल गई लाला, तेरी तो लॉटरी खुल गई, लगा रहा है लाला। लो, बैटिंग करने से पहले ही क्लीन बोल्ड हो गया। हाय सपना। हाय ज्योति। नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटी, क्या बात है, बड़े दिनों के बाद आई। हाँ आंटी, समय ही नहीं मिला। सपना, तो रोज से तुम कॉलेज क्यों नहीं आई? क्या करूंगी कॉलेज जाकर, इम्तिहान में तो मुझे बैठना नहीं है। क्यों? बात यह है ज्योति कि उसके कॉलेज की फीस के रुपयों का कुछ प्रबंध नहीं हो पाया अभी तक। माँ, तुम्हारी दवा का टाइम हो गया है, चल ज्योति हम लोग भीतर चल के बैठते हैं। कॉलेज की फीस तुमने नहीं भरी, मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? अपनी परेशानियां मैं किसी को बताना नहीं चाहती। अच्छा तो सुन माँ, सपना दीदी की फीस कितनी होगी? 300 रुपए। हे भगवान, कहीं सपना का साल ना खराब हो जाए। ना बाबा ना, मैं ये काम नहीं कर सकती। देख सपना, मेरी बात मान ले वरना तेरा एक साल खराब हो जाएगा। मैंने भी अपनी कड़की दूर करने के लिए एक बार ऐसा ही किया था। नहीं नहीं, ठीक है तेरी मर्जी। सुन, क्या 500 रुपए एडवांस? लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मैं तुम्हें 500 रुपए तो क्या, मैं तुम्हें 5 फूटी कौड़ियां नहीं दूंगी। मालकिन, अगर मेरी दीदी की फीस ना भरी गई तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या तेरे पूरे खानदान का ठेका ले रखा है? देख लड़की, मोटे मोटे आंसू यहाँ मत बहा। अगर नौकरी करनी है तो सीधी तरह कर, वरना अपना हिसाब किताब कर ले, समझी? Thank you.
इन पैसों से सपना दीदी के कॉलेज की फीस भर जाएगी। चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं की। तुम झूठ बोलती हो। अभी अभी तुमने नोट उठाकर ब्लाउज में रखे हैं। उस दिन बाम की चोरी करने पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन रुपए पैसे की चोरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। मैंने ये पैसे अपनी बहन के फीस के लिए चुराए थे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। 6 महीने की सजा होगी तुम्हें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। तो फिर जो मैं कहूंगा वो करोगी? क्या करना होगा मुझे? आओ बताता हूँ। तुमने फिल्म इंसाफ का तराजू देखी थी? तब तो तुम्हें याद होगा राज बब्बर ने पद्मिनी कोल्हापुरे से अकेले कमरे में क्या करने के लिए बोला था। उसने तो उसे कपड़े उतारने को कहा था। तो समझ लो तुम पद्मिनी कोल्हापुरे हो और मैं राज बब्बर। तुम नहीं, नहीं। वही करोगी जो पद्मिनी कोल्हापुरे ने किया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं पुलिस को फोन कर ही देता हूँ। नहीं, पुलिस को फोन मत करिए। जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगी। तो फिर तुम अपने कपड़े उतारो। भाई साहब टाइम क्या हुआ? 9 बजे हैं जी। 9 बज गए? ओह माय गॉड। एक्सक्यूज मी, क्या आप शहर की तरफ जा रहे हैं? जी हाँ। देखिए आज मेरी नौकरी का पहला दिन है, आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई बस नहीं आई। अगर मैं आज ऑफिस लेट पहुंची तो हो सकता है मेरा बॉस मुझे नौकरी से ही निकाल दे। सॉरी मिस, मेरे कसूर है, मैं लड़कियों को लिफ्ट नहीं देता। खैर आप निराश मत होइए, ये लो टैक्सी पकड़ के निकल जाओ। शुक्रिया, आप ये पैसे अपने पास ही रखिए। जानते हो मैं वापस क्यों आया हूँ? अपने उसूलों पे कायम रहने के लिए शराफत का खून करना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें लिफ्ट ना दूं, तुम देर से पहुंचो और तुम्हारी नौकरी चली जाए, मेरा जमीर ये कभी माफ नहीं करेगा। बैठ जाओ। थैंक यू सर। कौन से ऑफिस में नौकरी मिली है तुम्हें? भानु टेक्सटाइल्स, यादव चेंबर्स। अच्छा, भानु टेक्सटाइल, उसका मालिक भानु मेरा अच्छा यार है। इफ यू डोंट माइंड, कितनी तनख्वाह दे रहा है वो तुम्हें? 1760। साले की बनियागिरी की आदत अभी तक गई नहीं है। 2500 करवा दूं मैं? ये गाड़ी को क्या हो गया? इंजन खराब है इसका। क्या मुसीबत है। अरे अनवर। सलाम साहब। तुमने गाड़ी ठीक से मरम्मत नहीं की, लगता है इंजन में फिर कोई गड़बड़ है। अभी देखता हूँ साहब। मेरी गाड़ी कोई अजीब आदत है,
पता नहीं क्यों हमेशा मेरे घर और गैरेज के सामने आके खराब हो जाती है। आइए जब तक ये ठीक करता मैं एक कप चाय पी लें। जी घबराइए नहीं, आपको वक्त पे ऑफिस पहुंचाना मेरा जिम्मा है। आइए प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लोबीराम, रामू से कहने दो कप चाय भेज दे। अच्छा सर। आइए। कैसा लगा आपको हमारा म्यूजियम? कितनी गंदी तस्वीरें और मूर्तियां हैं। आशा जी, इंसान जब पैदा होता है तो नंगा ही होता है। ये गंदगी नहीं खूबसूरती है, सच्चाई है, और सच्चाई से इंसान को भागना नहीं चाहिए। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? हाय बड़ी भोली हो आशा रानी, ये इतना भी नहीं समझती एक मर्द किसी औरत को अपने कमरे में बुलाकर दरवाजा क्यों बंद कर देता है। खैर छोड़ो इस दरवाजे को, तुम अपने दिल का दरवाजा हमारे लिए खोल दो, कसम तुम्हारे हुस्न की हम अपनी तिजोरी का दरवाजा तुम्हारे लिए खोल देंगे। मिस्टर जेठा, मैं आपको एक शरीफ आदमी समझकर आपके घर में आने की गलती कर बैठी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे एक बेकार लड़की समझकर खरीदने की कोशिश करें। आपकी भलाई किसी में है कि आप दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अपनी नौकरी पे जाना है। बेवकूफ लड़की, मेरी बात मान ले, तुझे तो क्या तेरे खानदान में किसी को भी सात पुष्पों तक कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खबरदार तू मुझे हाथ लगाया तो। नहीं, 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 मुझे जाने दो। कहाँ जाएगी? नहीं, Oh, my God.